हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, राइट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को आज न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करना है वो हमें इस लेक्चर में सीखना है, राइट। और होपफुली आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखते रहिए, बड़ा आसान सा मेथड है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को सॉल्व करने के लिए। केवल हमें दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जिसकी हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। वी नो दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक ऐसा ईएमएफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कोसाइन के अकॉर्डिंग वेरी करता है उसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कॉल करते हैं, राइट। तो इस ईएमएफ की डायरेक्शन पीरियोडिकली वेरी करती है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, राइट। जब हम करंट की बात करते हैं किसी सर्किट में आई, तो दैट इज आल्सो गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। दिस फाई नॉट इज फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। व्हाट वी मीन बाय दिस फेज डिफरेंस, देखिए अगर ये ईएमएफ का ग्राफ है, एक छोटी सी पार्ट अगर हमें समझ में आएगा तो हमें सारे सर्किट समझ में आने लगेंगे, और ये आई का ग्राफ है। लेकिन जब ये दोनों कहीं मीट करेंगे, जब ये दोनों कहीं एक साथ आएंगे, तो इस कौन से टाइम पर कौन सी चीज आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन से टाइम पर कौन सी चीज आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। सपोज ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्टार्ट कर रहे हैं और ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप देखोगे तो ये तो होगा, ये होगा ही नहीं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसे देखोगे तो ये तो t इक्वल टू पे 0 है और ये t इक्वल टू 2 पे कुछ वैल्यू रखेगा, राइट। अगर ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा तो कुछ और होगा। तो दोनों का, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड लगातार वेरी कर रहा है, तो दोनों जब किसी प्लेस पर आएंगे तो उस टाइम दोनों का क्या एम्पलीट्यूड है, उस टाइम दोनों का कितनी मैग्नीट्यूड है, दैट एक्चुअली डिसाइड्स देयर सुपरपोजिशन, राइट। सो कोई भी ईएमएफ हो, करंट हो, वेव हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कोसाइन से डिस्क्राइब होती है, उसको हम वेक्टर की हेल्प से सॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। तो हम ई नॉट को एक वेक्टर बना लेंगे, I नॉट को एक वेक्टर बना लेंगे और इन दोनों के बीच में फाई एंगल, फाई नॉट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये E नॉट और ये I नॉट, दोनों के बीच में एंगल है फाई नॉट। इस वेक्टर डायग्राम को हम एसी में बोलते हैं फेजर डायग्राम, राइट। तो व्हाट वी मीन बाय फेजर डायग्राम इन एसी, द वेक्टर डायग्राम इन विच करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, ईएमएफ एम्पलीट्यूड ई नॉट आर ड्रॉन बाय वेक्टर्स, दोनों को वेक्टर्स की तरह ड्रॉ करना है, विद एंगल बिटवीन देम इक्वल टू फेज डिफरेंस, फाई नॉट फेज डिफरेंस की इक्वल एंगल रखते हुए ड्रॉ करना है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो पहली चीज ऐसी सर्किट के लिए जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है फेजर डायग्राम। किसी भी एसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फेजर डायग्राम, राइट। सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक सर्किट है आर एल और सी वाला, हमारे पास एक सर्किट है आर एल और सी वाला, अगर इन तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो तीनों में करंट सेम होने वाली है, जो करंट यहां होगी वही यहां होगी वही यहां होगी। तो जब हम इन तीनों का कंबाइंड फेजर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें करंट के लिए एक ही वेक्टर ड्रॉ करेंगे, लेट दिस इज दी डायग्राम फॉर करंट, यही इसके लिए है, यही इसके लिए है, यही इसके लिए है, क्योंकि तीनों एक सीरीज में कनेक्ट है और तीनों में करंट सेम है। नाउ इफ वी कंसिडर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज ई आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज ई एल, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज ई सी, नाउ वी हैव टू ड्रॉ वेक्टर फॉर दीज थ्री ओनली। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो ई नॉट वाला वेक्टर है
वो करंट की डायरेक्शन में रहता है, आई नॉट और ई नॉट आर एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, तो ई नॉट आर और आई नॉट दोनों सेम फेज में ड्रॉ किए जाते हैं, राइट। बस इतना सा पॉइंट एक याद रखना है। इंडक्टर के लिए ई नॉट एल 90 डिग्री अहेड ऑफ आई नॉट ड्रॉ किया जाता है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, करंट से 90 डिग्री आगे ड्रॉ करना है आपको ईएमएफ का एरो फॉर इंडक्टर, राइट। और कैपेसिटर के लिए जो आपको एरो ड्रॉ करना है वो 90 डिग्री पीछे ड्रॉ करना है करंट आई नॉट से ई नॉट सी, राइट। बस इतनी सी बात अगर हमें याद है तो हम एसी के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट। अब देखिए, सपोज आपको सर्किट में ओनली आर और सी दिया जाता है, तो आप आई नॉट ई नॉट सेम फेज में बनाएंगे रेजिस्टेंस के लिए और ई नॉट सी बनाएंगे 90 डिग्री पीछे कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर है ही नहीं तो इंडक्टर आप बनाएंगे ही नहीं, राइट। अगर आपको एल और आर दे दिया जाता है देन अगेन यू विल ड्रॉ ई नॉट आई नॉट फॉर रेजिस्टेंस इन सेम फेज और इंडक्टर के लिए 90 डिग्री आगे बना देंगे ई नॉट एल, बस। तो कोई भी सर्किट आ जाए अगर हमें इतना ध्यान है कि ई नॉट आर इज इन द फेज ऑफ आई नॉट, ई नॉट एल इज 90 डिग्री अहेड ऑफ आई नॉट, ई नॉट सी इज 90 डिग्री बिहाइंड आई नॉट, तो हम किसी भी सर्किट के लिए ये वेक्टर डायग्राम जिसको हमने क्या बोला फेजर डायग्राम उसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, राइट। इसे हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल। अगर एल और सी आ गया लेट मी कंसिडर ऑनली एल एंड सी, आर है ही लीजिए तो कोई बात नहीं, आई नॉट की डायरेक्शन में कोई नहीं आने वाला, इधर ई नॉट एल दिखा देंगे आप और बैक में ई नॉट सी दिखा देंगे आप। हाँ, पीछे से कोई पूछ रहा है कि सर ये छोटा क्यों, आप इसे बड़ा भी दिखा सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, अभी हमने इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात नहीं करी, अभी ओनली हमने एक वेक्टर डायग्राम की बात करी जो आप किसी भी सर्किट के लिए ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि इंडक्टर के लिए 90 डिग्री आगे एरो बनाना है, कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री पीछे एरो बनाना है और रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन में एरो बनाना है, एसी सर्किट को सिंपली वी अपॉन आई से सॉल्व नहीं करना है, राइट। जब भी एसी सर्किट आएगा, कैसा भी एसी सर्किट आएगा, आपको ये डायग्राम बना के ही काम करना है, राइट। अब अगर आप ई नॉट एल और ई नॉट सी का रिजल्ट पूछे आपसे, भाई एक ऊपर को लग रहा है एक नीचे को लग रहा है, दो एक अप और एक डाउन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना रिजल्ट होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे आप। अगर आपने ई नॉट सी बड़ा दिखाया तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, हमने ई नॉट एल बड़ा दिखाया तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, बचा हुआ लिख लेते हैं, कितना रह गया बचा हुआ ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी रह गया, राइट। ई नॉट एल में से ई नॉट सी माइनस होके ये बचा हुआ रह गया, तो अब इन दोनों का रिजल्ट तो ये आ गया, इसका और ई नॉट आर का रिजल्ट हम फिर से पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते, पाइथागोरस लगा दे, अगर इस रिजल्ट को आप ई नॉट बोलोगे तो हाइपोटेन्यूस है ई नॉट स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इतना ही तो बोलेंगे आप, बस कुछ करना ही नहीं है भाई, इट इज द मोस्ट सिंपल चैप्टर ऑफ योर बुक, सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा हमें करना ही नहीं है, सिंपल सा एक वेक्टर डायग्राम बनाने और रिजल्ट निकाल देने, बस जो मर्जी आए सब इसी से सॉल्व होने वाला है। अब अगर हम रिजल्ट रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट का एरो है आई नॉट, आई नॉट तो यही रहने वाला है और ये आपका रिजल्ट का एरो है ई नॉट, तो कौन आगे है, ई नॉट लीड कर रहा है आई नॉट को, एंटी क्लॉकवाइज फोर
आगे बोलते हैं, लीड करना बोलते हैं, तो E नॉट लीड्स I नॉट बाय phi एंगल। आप चाहें तो इस phi को निकाल के भी दिखा सकते हैं, कितना हो जाएगा 10 phi हो जाएगा परपेंडिकुलर E नॉट L माइनस E नॉट C अपॉन E नॉट R, राइट। ध्यान रहेगा भाई वेक्टर डायग्राम। अब ओम्स लॉ में याद है E इक्वल टू आई आर, तो अगर आप रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो E नॉट R इक्वल टू आई नॉट R लिखेंगे, अगर आप इंडक्टर के लिए लिखेंगे तो I नॉट इंटू जो भी रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। इसके लिए हमने सिंबल बदल के XL कर दिया और E नॉट C के लिए हमने सिंबल बदल के XC कर दिया। ओम्स लॉ लिखा गया, खाली सिंबल बदला गया, इंडक्टर के लिए XL और कैपेसिटर के लिए XC। XL जो है वो AC के लिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस है और XC जो है वो कैपेसिटर के लिए AC का रेजिस्टेंस है। XC इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ AC, XL इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द पाथ ऑफ AC। अगर हम इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज में देखें तो XL ओमेगा L 2πfL होता है और XC 1 अपॉन ओमेगा C 2πfC होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो AC की फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है, राइट। The resistance offered by inductor is directly proportional to frequency. Higher the frequency, more be the resistance offered by this inductor. Smaller the frequency, lesser be the resistance offered by the inductor. And XC, which we call as 1 upon 2 by FC, is the resistance offered by capacitor. Higher the frequency, lesser be the resistance offered by the capacitor. Lower the frequency, higher be the capacitance offered by the resistance offered by the capacitor. डीसी के केस में एफ इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स सी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एक्स एल इक्वल्स टू जीरो। तो डीसी के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, आप कुछ कर ले डीसी कैपेसिटर से पास नहीं कर सकते, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इट डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट व्हाइल इट अलाउ एसी टू पास थ्रू इट। तो कैपेसिटर का एक फंक्शन भी मालूम हो गया, अगर एसी और डीसी का मिक्सचर है तो उसे अलग करने का काम कर सकता है कैपेसिटर, राइट। फिल्टर का काम करता है, एसी और डीसी में से एसी को पास करा देता है, डीसी को रोक देता है, तो फिल्ट्रेशन हो गया। तो कैपेसिटर कैन वर्क एज अ फिल्टर, कैपेसिटर इज ऑफ कोर्स अ वन डिवाइस टू स्टोर चार्ज, बट द सेकेंड फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज दैट इट एक्ट एज अ फिल्टर, इट मे फिल्टर एसी फ्रॉम डीसी, बिकॉज फॉर डीसी इट्स रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी व्हाइल फॉर एसी इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारे पास इन तीनों के रिलेशन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको यहां रख दें, तो इससे ई नॉट अपॉन आई नॉट को आप निकाल लेंगे, हमें भी बता देंगे कितना आएगा अंडर रूट, बिकॉज स्क्वायर इज देयर, ई नॉट आर की जगह रखेंगे आई नॉट आर, तो आर स्क्वायर भी देयर, प्लस ई नॉट एल की जगह रखेंगे आप आई नॉट एक्स एल, माइनस ई नॉट सी की जगह आप रखेंगे आई नॉट एक्स सी। सो ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इम्पीडेंस जेड, ई नॉट अपॉन आई नॉट इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस कॉल किया जाता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफर बाय दिस एलसीआर सर्किट। ओके, तो जेड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आप जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं, अगर आपका आरसी सर्किट है तो एक्सएल हटा दीजिए, तो इसकी इम्पीडेंस कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। अगर आरएल सर्किट है तो एक्ससी हटा दीजिए, इम्पीडेंस कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एलसी सर्किट है तो आर हटा लीजिए, तो अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी। तो इसका मीनिंग अगर हमें एक एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला क्लियर हो तो
तो आपके पास कोई भी सर्किट आएगा आप उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। भाई फेज डिफरेंस ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी अपॉन ई नॉट आर लिखा आपने, इसमें एल है ही नहीं तो एल हटा देते, तो टेन फाइव इक्वल टू माइनस ई नॉट सी अपॉन आर, माइनस का मतलब हो गया लैग करेगा, तो माइनस हटा दीजिए और लिख दीजिए ई नॉट लैग्स बिहाइंड आई नॉट, लिख दिया तो माइनस की नीड नहीं है, नहीं लिखेंगे तो माइनस लगा के दिखा देंगे। कोई भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, अगर हमें इतनी सी नॉलेज है तो हम एसी के किसी भी न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं, सब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल एनालिसिस ऑफ एसी। तो कोई भी सर्किट आपके पास आए आप उसको इससे एनालाइज कर सकते। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दें, ये जेड मिनिमम होगा अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, किसके बराबर, आर के बराबर, दैट कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पर बेस्ड, तो अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया तो जेड आर के बराबर हो जाएगा एंड दैट वी कॉल एज रेजोनेंस, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस बोल देते हैं। लेट मी राइट हियर रेजोनेंस। सो इफ XL equals to XC, impedance is minimum, Z is minimum, and that condition we call as resonance, Z minimum is R, Z minimum is R, that condition we call as a resonance condition, and in this case, EMF will be maximum. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट ई नॉट आर विल बी इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होने पर ई नॉट एल जो है वो ई नॉट सी के बराबर हो जाएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ई नॉट आर के बराबर हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पेपर में, डायरेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लिख सकते हैं अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। राइट, होप ऑल विल बी क्लियर। बड़े सिंपल से फॉर्मूले से हम सारा एसी सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी भी तरह का न्यूमेरिकल अगर एसी में आएगा तो इतनी नॉलेज से आप एसी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी सॉल्व यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। Suppose a circuit is given R, C and L. This is marked as 100 volt, 50 hertz. This is symbol of AC source. Mark किया गया 100 volt, 50 hertz. इसके ऊपर लिखा हुआ है XC equals to 25 ohm. इसके ऊपर लिखा गया है XL इक्वल टू 25 ओम। यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है V1, यहां पे दूसरा वोल्ट मीटर लगाया गया है V2। वैल्यू ऑफ R इज से 25 ओम। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1? हमसे पूछ रहे हैं वोल्ट मीटर V1 की रीडिंग कितनी होगी। रीडिंग ऑफ V1, देन रीडिंग ऑफ V2, रीडिंग ऑफ V1 एंड रीडिंग ऑफ V2, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। राइट, ऐसी और सर्किट भी बनाए जा सकते हैं। Let resistance is of 55 ohm, source is of 110 volt 50 hertz. भाई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 55 ओम का, एक सोर्स लगा हुआ है 110 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का। राइट,
और रेजिस्टेंस एक्सएल लगा हुआ है, कितने ओम रखें? चलो 5 ओम। एक्ससी कितना रखें? 55, 560 और 20, चलो ये भी 5 ओम। राइट, हियर इज वन वोल्ट मीटर एंड हियर इज वन एमीटर। What will be reading of voltmeter and ammeter? What will be reading of voltmeter and ammeter? This is the question. Right? Let me draw one more. R, C, L. 300 volt. Here voltage is given, say 100 volt. Here also it is given 100 volt. Here we have to find out. If ammeter is there, what will be current? Resistance is given 100 ohm. तो देखिए different circuit हमने यहाँ draw किए. Hopefully आपने answer निकाला होगा. Now you can verify, right? देखिए इस सर्किट को, एक्सएल कितना है, एक्ससी कितना है, एक्ससी और एक्सएल कितना है, एक्ससी इक्वल्स टू एक्सएल है 25। अभी जस्ट इससे पहले हमने लिखा था कि अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो जाएगा तो रेजोनेंस की कंडीशन होगी, तो रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन में ईसी और ईएल बराबर हो जाती, जितना ये उतना ये, तो नेट कितना होगा? गड़बड़ नहीं करनी, फेजर डायग्राम ध्यान रखना है। आई नॉट, ई नॉट आर, ई नॉट एल, ई नॉट सी। फेजर डायग्राम आपको कभी भी नहीं भूलना एसी सर्किट में, क्योंकि फेजर डायग्राम भूले तो सब गड़बड़ हो जाती। ई नॉट एल, ई नॉट सी बराबर है और अपोजिट भी है। फेजर डायग्राम बता रहे हैं दोनों अपोजिट भी है, तो अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी कंबाइंड वोल्टेज हमेशा कितनी रहने वाली है? 0 वोल्ट। तो V1 की रीडिंग हमेशा 0 वोल्ट रहने वाली है, क्योंकि ये दोनों इक्वल अपोजिट वोल्टेज पर है, रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट। और ई नॉट आर, ये रिजल्ट मिला था हमें, ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट आर स्क्वायर प्लस E नॉट L माइनस E नॉट C स्क्वायर, यही लिखा था भाई, राइट? तो E नॉट L माइनस E नॉट C, यहां तो दोनों इक्वल अपोजिट है क्योंकि दोनों XL और XC बराबर है, ये तो जीरो हो गया। तो E नॉट R इज इक्वल टू E नॉट, कितना था E नॉट? E नॉट कितना था? 100 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर V2 की रीडिंग कितनी हो गई? 100 वोल्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन, राइट? वोल्टमीटर V2 की रीडिंग कितनी हो गई? 100 वोल्ट। नाउ लुक एट दिस वन, इसमें भी XL और XC बराबर दिए, ये XL और XC का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये XL और XC का सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट? Let me make a one change in this circuit. यहां लगा देते हैं इसको, सोर्स को 110 वोल्ट। तो ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? ये VL माइनस VC मेजर करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसकी रीडिंग हमेशा जीरो रहने वाली। बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसको यहां से नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। और सर्किट जो भी बनते हो वायर से बने, उनको बेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, राइट? तो आर इज एंड 110 इज गिवन, एमीटर रीडिंग इज ई नॉट अपॉन जेड। भाई जेड हमने डिफाइन किया था अभी एज ई नॉट अपॉन आई नॉट,
जिसको हमने लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। और अगर एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो जेड टू किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो जेड आर के बराबर है, ई नॉट 110 है, 55, 2 एम्पियर। सो एमीटर रीडिंग इज 2 एम्पियर, वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियस क्वेश्चन है। जब भी वीएल और वीसी बराबर हो, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो, तो उसे रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में ओनली इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होती है, तो करंट आप डायरेक्ट ई अपॉन आर करके फाइंड कर सकते हैं। लुक एट दिस थर्ड वन, इसमें एक्सएल और एक्ससी की जगह वीएल और वीसी दे दिए। वीएल कितना है? 100 वोल्ट। वीसी कितना है? 100 वोल्ट। वीएल वीसी दोनों इक्वल है, कंडीशन कौन सी हो गई? रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई। एंड इफ इट इज रेजोनेंस देन ई नॉट आर मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट 300 वोल्ट। रेजिस्टेंस 100, तो करंट आई इक्वल टू 300/100, 3 एम्पीयर। एसी इज वन ऑफ द वेरी सिंपल चैप्टर इफ यू नो दिस फेजर डायग्राम। आपको पूरे चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं आती हो, कुछ भी नहीं आता, तब भी एसी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन एंड ओम्स लॉ, ई इक्वल टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो आई नॉट आर, इंडक्टर के लिए देखेंगे तो आई नॉट एक्सएल, कैपेसिटर के लिए देखेंगे तो आई नॉट एक्ससी, और अगर इन तीनों को छोड़ के पूरे सर्किट के लिए देखेंगे तो ईएमएफ इक्वल टू आई नॉट जेड, राइट। अब देखिए पेपर में एक क्वेश्चन आता, बड़ा फेवरेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लैंप है, हमारे पास एक लैंप है 110 वोल्ट की, 110 वोल्ट की और 20 वॉट की, और हमारे पास जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज। हम इसको इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, कैन वी? क्या हम एक 110 वोल्ट 20 वॉट वाले बल्ब को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाली सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं। कनेक्ट करने को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कनेक्ट करके ऑन करेंगे तो लैंप फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज लैंप की मैक्सिमम वोल्टेज 110 है, आप लगा रहे हैं 220 वोल्ट, राइट। तो क्या होगा? बल्ब डैमेज हो जाएगा, कनेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। हाँ, अगर हमसे कहते कैन बी कनेक्टेड सेफली, तो आंसर इज नो, सेफली तो नहीं कनेक्ट होगा, अगर इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। हम सेफ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी सप्लाई को ड्रॉप कराना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 110 के बराबर, सप्लाई वी कैन नॉट चेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लगाना पड़ेगा जो इसमें से 110 वोल्ट, जो इसमें से 110 वोल्ट डिसअपीयर करा ले, बचे हुए 110 इसको दे दे, तो ये भी सेफ रहेगा और हमारा सर्किट भी काम करेगा। तो डीसी के केस में भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, डीसी में हम यहां पर हमेशा रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके साथ सीरीज में और सॉल्व करते हैं, लेकिन एसी में हम रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर या इंडक्टर लगा के इसे सॉल्व करते हैं, राइट। रीजन अभी इसके बाद देखते हैं, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट में पावर का लॉस नहीं होता, रेजिस्टेंस सर्किट में पावर का लॉस होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, हीट बनेगी, जूल हीटिंग से एनर्जी लॉस होगा, लेकिन अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर लगाएंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि कितना कैपेसिटर सीरीज में लगाएं, कितना कैपेसिटर सीरीज में लगाएं कि ये बल्ब सही ग्लो करे, बिल्कुल सेफ ग्लो करे, इस बल्ब में कोई डैमेजिंग ना हो,
तो अगर आप ये सी लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस है, तो आरसी सर्किट बन जाएगा। तो आपको आरसी सर्किट के सारे फॉर्मूले इमीडिएटली याद आने चाहिए। नहीं याद क्यों आएंगे, हमने तो याद किए ही नहीं, राइट? तो याद तो नहीं आएंगे, हमने याद ही नहीं किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली फेजर डायग्राम लिखना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। किस सर्किट की बात कर रहे हैं, आरसी सर्किट की, आर सी सर्किट की। तो बिल्कुल बना दिया हमने फेजर डायग्राम। इन दोनों का रिजल्ट है ई नॉट आर स्क्वायर प्लस ई नॉट सी स्क्वायर। पाइथागोरस है सिंपल, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ करना नहीं है, राइट? ई नॉट आर आपको मालूम है 110 वोल्ट, ई नॉट सी आपको नहीं मालूम है, E नॉट आपको मालूम है 220। तो E नॉट C आप निकाल के देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया जी। 110 कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज 3 विद इन रूट, ये हमारा E नॉट सी मिल गया। तो अब आपको देखो E नॉट सी तो मिल भी गया, I नॉट हम इस बल्ब का करंट भी निकालते हैं, बल्ब में कितनी करंट है, बल्ब में करंट हो गई P इक्वल टू VI। रेजिस्टेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे अप्लाई करेंगे PR इक्वल टू 100, PR इक्वल टू 20 वोल्ट और वी आर इक्वल टू 110, पी आर इक्वल टू 20 वॉट 110 वोल्ट, जीरो कैंसिल आउट। तो करंट भी आपको मालूम है 2/11। अब बल्ब में करंट आपको मालूम है, इसकी वोल्टेज आपको मालूम है, ये भी दोनों सीरीज में मालूम है, सीरीज में तो करंट सेम रहती है, तो आपकी कैपेसिटर करंट भी आपको मिल गई। आईसी कितनी हो गई, 2/11 एम्पियर। आपको ईसी मिल गया 110 रूट 3, राइट? आरसी सर्किट था, हमने आरसी सर्किट के लिए फेजर बनाया, आरसी सर्किट का फॉर्मूला लिखा, ई नॉट आर दोनों गिवन थे, ई नॉट सी निकाला, मीन्स ईसी निकाला, ईसी मिल गया, ईसी मिल गया 110 रूट 3 वोल्ट। हमने सर्किट की करंट रेजिस्टेंस वाले पार्ट से निकाली, वही कैपेसिटर में होगी क्योंकि दोनों सीरीज में है, करंट भी मिल गई। नाउ ई सी इज आई सी इंटू एक्स सी, ओम्स लॉ, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हमने बताया एक्स सी के बराबर है, 110 रूट 3 2/11 एक्स सी। तो XC आपको मिल गया 11 इंटू 110 रूट 3 अपॉन 2। XC को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इक्वल टू 11 1210 अपॉन 2 रूट 3। C आपको कैलकुलेट करना है, F इज गिवन 50 हर्ट्ज। तो जस्ट आपके फेजर डायग्राम की हेल्प से आप कैपेसिटेंस सी फाइंड कर सकते हैं, जिसको कनेक्ट करने पर आपका ये बल्ब सेफ ग्लो करेगा, बिना डैमेज हुए बिना फ्यूज हुए आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। इस सी के प्लेस में आप इंडक्टर भी लगा सकते हैं, अभी इसके बाद हम इंडक्टर के साथ इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। नाउ सपोज अ बल्ब ऑफ 100 वोल्ट 40 वॉट इज टू बी कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। व्हाट शुड बी द इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, कितना इंडक्टर कनेक्ट करें सीरीज में बल्ब को सेफली रन करने के लिए,
right? So as are in series, the phasor diagram is E naught R, I naught, E naught L, E naught C. Right? C to any. So there is no need of this E naught C here. E naught L, E naught R. Resultant, E naught square equals to E naught R square plus E naught L square. E naught R given a 100. This one is 400. E naught L. So E naught L is this 200 square. 200 square minus 100 square is 100 root 3. तो आपको E naught L की वैल्यू मिल गई 100 root 3. Current, current will be same as bulb. So I in the circuit is P upon V. P is 40, V is 100. 2 by 5 ampere. So IL is 2 by 5 ampere. EL is 100 root 3 volt. Now, we can find out XL by using EL upon IL. EL 100 root 3, X IL is 2 by 5. So now if we use XL equals to omega L, 100 root 3 into 5 upon 2 equals to 2 by this one. F is given 50. 100 root 3 into 5 upon 2. Do 0 cancel out. So L equals to 2.5 root 3 upon 3.14 Henry. तो बड़े सिंपल क्वेश्चन रहते हैं एलसीआर सर्किट के, राइट? किसी भी तरह का सर्किट आए बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. समटाइम्स सिंपल सा दे देते हैं एलसीआर. सपोज ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज हेयर एंड व्हाट दे मेंशन इज से दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट. व्हाट विल बी ईएमएफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज? So applied EMF is ER square EL minus EC square. भाई LCR circuit है, series circuit है, phasor diagram बना के आप result लिखेंगे, direct आ जाएगा. ER कितना given है? 4. EL कितना given है? 5. Minus EC कितना given है? 8. So 4 square plus 3 square 5 वोल्ट. तो अप्लाई वोल्टेज इज ओनली 5 वोल्ट है, राइट? फेज डिफरेंस पूछ लेंगे तो 10 5. फॉर्मूला क्या आया था? XL माइनस XC होल डिवाइडेड बाय R, VL माइनस VC होल डिवाइडेड बाय VR. VL इज गिवन 5, VC इज गिवन 8 एंड दिस इज 4. माइनस 3 बाय 4. माइनस का मीनिंग ई लेस बिहाइंड आई बाय 5 इक्वल्स टू, अब माइनस छोड़ देते 3 बाय 4. टेन इनवर्स 3 बाय 4, बड़ा अच्छा ट्रायंगल होता है 3 4 5 3 4 5. ये एंगल 37, ये 53, तो 3 बाय 4 इज 37 डिग्री. तो ईएमएफ लेग्स बिहाइंड द करंट बाय 37 डिग्री. सो क्वाइट इजी टू एनालाइज अल्टरनेटिंग सर्किट्स इफ वी नो द फेजर डायग्राम. जस्ट आप एलसीआर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? समटाइम्स सर्किट्स में पावर एनालिसिस के लिए देते हैं. अभी तक हमने पावर को डायरेक्टली डीसी की तरह यूज किया, आई इक्वल टू पी अपॉन वी. That is only for resistance circuit, right? In case of capacitor, in case of inductor, power is not same as DC circuits. तो इसके साथ साथ
आपको एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा पावर के लिए, पावर इन एसी सर्किट इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, वेयर cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर, cos phi इज कॉल्ड ए पावर फैक्टर, एंड दिस पावर फैक्टर फेजर डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो cos phi इज ऑलवेज R upon Z. दिस इज दी सेकेंड फॉर्मूला टू रिमेंबर टू सॉल्व पावर इन एसी सर्किट. व्हाट विल बी पावर डिसिपेटेड इन कैपेसिटर सर्किट? पावर डिसिपेटेड इन एसी इन कैपेसिटर सर्किट. यस, कैपेसिटर सर्किट आएगा. फेजर डायग्राम क्या कहते हैं? आई नॉट और ई नॉट. कितना फेज डिफरेंस है? 90. कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ना इंडक्टर लगाए ना रेजिस्टेंस लगाए. ओनली कैपेसिटर के केस में तो ई नॉट सी रहेगा, आई नॉट रहेगा. फेज डिफरेंस कितना? 90. कॉस 90 की वैल्यू कितनी? 0. इसीलिए कहीं भी एसी में पावर को वोल्टेज को ड्रॉप कराना हो तो हम रेजिस्टेंस नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं कैपेसिटर, हम यूज करते हैं इंडक्टर. क्योंकि इंडक्टर के केस में भी फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री. कॉस 90 इज 0. सो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सर्किट में कोई पावर डिसिपेशन नहीं है. एसी सर्किट में, एसी सर्किट में पावर डिसिपेशन ओनली रेजिस्टेंस करता है. तो कहीं पर अगर आपको पोटेंशियल को ड्रॉप कराना है, जैसे अभी बल्ब के केस में हम इसको कम कर रहे हैं वोल्टेज को, तो रेजिस्टेंस से नहीं कराते हम, उसको इंडक्टर से कम कराते हैं, जिससे पावर डिसिपेशन कम रहता है, एनर्जी का लॉस कम होता है. राइट, तो दिस इज द आइडिया ऑफ सीरीज सर्किट्स. राइट, समटाइम्स हमें इंडक्टर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड मिलते हैं, तो उस केस में अब हमें सर्किट को एनालाइज करना सीखना है. तो नाउ अगर हमारे कैपेसिटर इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तब हमें सर्किट कैसे सॉल्व करना है? नाउ वी हैव टू एनालाइज दैट. सपोज एक L और R सीरीज में कनेक्टेड है और इसके साथ एक C और R सीरीज में कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया और इसको बैटरी से अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया. दिस इज L R, दिस इज C R. जस्ट वी हैव टू एनालाइज दिस सर्किट हाउ वी कैन. तो देखो इस सर्किट में दो ब्रांच हैं, दोनों को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा. यहां से जब करंट आई जाएगी तो दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, I2 RC सर्किट है और I1 RL सर्किट है. इस दोनों कॉम्बिनेशन में करंट I1 सेम है. तो अगर हम RL सर्किट को एनालाइज करें, this will be E not R, this will be I1 and this will be E not L and this is resultant E not. E not R, E not C, oh sorry, E not L square. Not हटा दें तो E के लिए भी लिख सकते हैं इसे. Right? तो ये हमारा resultant EMF हो गया RL circuit के लिए. अगर हम RC circuit की बात करें, ER I2 EC, तो रिजल्ट EC स्क्वायर ER स्क्वायर शुड बी E. अब पैरेलल में EMF सेम होता है तो ये EMF और ये EMF सेम होगा. राइट, तो व्हेनेवर द डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक L एंड C आर इन पैरेलल, राइट, तो पहले आप अलग अलग ब्रांच के लिए जैसे हम बनाते आए वैसा ही सर्किट बना देंगे, फेजर डायग्राम बना लेंगे और फेजर डायग्राम से ई और आई को लिख लेंगे. अब आप ध्यान से देखिए, I1 लैग कर रहा है, ई लीड कर रहा है RL सर्किट में विद फाइव ऑन टेन इनवर्स EL अपॉन ER.
right? Phi 1 equals to perpendicular upon base, perpendicular हो गया EL, base हो गया ER. इसमें E लीड कर रहा है, I लीड कर रहा है phi 2 tan inverse EC upon ER. I लीड कर रहा है, I आगे E पीछे है, इसमें E आगे I पीछे, E E क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, I लेफ्ट बिहाइंड, I वन लेफ्ट बिहाइंड E, एंड इन दिस वन I टू लीड्स EMF. ये इंफॉर्मेशन हमें इन दोनों ब्रांच से मिल गई. अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाव पर आपको फेजर डायग्राम बनाना है इस पैरेलल सर्किट के लिए. पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस ईएमएफ सेम होता है, तो जब इनका फेजर बनाएंगे तो ईएमएफ एक ही एरो से दिखाएंगे. सीरीज में करंट का सेम एरो था, पैरेलल में ईएमएफ का एरो सेम रहेगा, करंट के एरो बदल जाएंगे. आई वन लेग कर रहा है फाइव वन एंगल से, तो I1 को आप लेग करते हुए दिखाएंगे phi 1 एंगल पर. I2 लीड कर रहा है phi 2 एंगल पर, तो I2 को आप लीड करता हुआ दिखाएंगे phi 2 एंगल पर. इस वेक्टर डायग्राम को आप सॉल्व करके I1 और I2 का रिजल्टेंट करंट निकालेंगे, एंड दैट इज द नेट करंट सप्लाइड बाय द सोर्स. राइट, कितना हो जाएगा, नेट करंट सप्लाइड बाय द सोर्स हो जाएगा अंडर रूट आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कॉस फाइव वन प्लस फाइव टू. तो दिस इज द नेट करंट. राइट, दिस इज द नेट करंट विच यू कैन फाइंड हेयर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो पैरेलल सर्किट में आपको जब एनालाइज करना है तो पहले दोनों ब्रांच को अलग अलग एनालाइज करेंगे, फिर दोनों ब्रांच की हेल्प से जो रिजल्ट मिलेंगे उसके हेल्प से आप पैरेलल के लिए फेजर डायग्राम डायरेक्ट बनाएंगे. सपोज रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, किस सर्किट की बात कर रहे हैं, रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, पैरेलल में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. तो अगर पैरेलल में रेजोनेंस सर्किट की बात करनी है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात करनी है, तो हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए, जैसे आर वेरी स्मॉल, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी. इस सर्किट में आर को बहुत छोटा कर दें, एक्सएल को एक्ससी के बराबर कर लें, then we can get parallel resonant circuit. क्या होगा अगर R छोटा होगा तो ER छोटा होगा. As R is small, phi 1 tends to 90, phi 2 tends to 90. Right? Current होगी कितनी इस branch में I1? E upon Z. जेड कितना है इस ब्रांच का, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. आई टू ई अपॉन जेड, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर. भाई आरसी सर्किट की करंट अभी पीछे निकाल के आए, आई नॉट ई अपॉन दिस वन आई टू एंड आई वन इज दिस वन. अब हम रेजोनेंस में एक्सएल एक्ससी के इक्वल ले रहे हैं, तो आई वन किसके बराबर हो जाएगा, आई टू के बराबर हो जाएगा. तो XL इक्वल टू XC, I1 इक्वल टू I2. ये दोनों एंगल 90 के पास है और XL XC बराबर होने से I1 I2 बराबर भी है. लुक हियर नाउ, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 I1, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 I2. ये भी 90 के पास है, ये भी 90 के पास है, तो इनका तो रिजल्टेंट बहुत छोटा रह जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो. तो नेट करंट I will be zero. I net current tends to zero. Right?
लेकिन आर के छोटा होने से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, वाइल आई वन एंड आई टू विल बी लार्ज। तो सर्किट में मेन सोर्स से जो करंट ड्रॉ हो रही है वो जीरो है, जबकि इन दोनों ब्रांच में हैवी करंट फ्लो करेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सीरीज में आपने देखा था जितनी भी वोल्टेज आप लगा रहे थे वो सारी आर के अक्रॉस आई थी, एक्सएल और एक्ससी की वोल्टेज कैंसिल हो गई थी। हाउएवर बाय टेकिंग लार्ज वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी वी कैन गेट लार्ज वोल्टेज अक्रॉस दीज एलिमेंट्स, राइट। सीरीज में ये आर है, ये एल है, ये सी है। सपोज ये आपने 50 ओम रखा, या आपने 500 ओम, चले 1000 ओम रखा, या आपने 1000 ओम रखा और इसको कनेक्ट कर दिया कितने वोल्ट से, 50 वोल्ट से, ज्यादा से नहीं कनेक्ट किया, 50 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, रेजोनेंस होगा, इसकी वोल्टेज अप्लाइड के बराबर होगी 50 वोल्ट, करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। सेम करंट 1 एम्पियर पास हो रही है इंडक्टर से और कैपेसिटर से। तो अगर हम आपसे इंडक्टर की वोल्टेज पूछेंगे, ईएल पूछेंगे, तो आई इंटू एक्सएल इट विल बी 1000 वोल्ट, ईसी इट विल बी 1000 वोल्ट। आप लगाएंगे ओनली 50 वोल्ट, ये सारे मिलेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस और उसके साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस हैवी वोल्टेज मिलेगी सीरीज एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन। इन पैरेलल एलसीआर सर्किट नेट करंट सप्लाइड बाय दिस वन इज ऑलमोस्ट जीरो व्हाइल देयर इज लार्ज करंट इन ईच ऑफ द ब्रांच। तो इसलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को करंट एम्प्लीफिकेशन सर्किट बोलते हैं और सीरीज एलसीआर सर्किट को वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट बोलते हैं। तो सीरीज एलसीआर सर्किट इज नोन एज वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट व्हाइल पैरेलल एलसीआर सर्किट इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन सर्किट। दिस सर्किट वी यूज इन ऑल रेडियो रिसीवर्स व्हाइल दिस वन वी यूज इन ऑल रेडियो ट्रांसमीटर्स। ये सर्किट सारे रेडियो ट्रांसमीटर्स में यूज होता है और दैट वन वी यूज इन ऑल रेडियो रिसीवर्स, राइट। आपके टीवी में आप जो भी सिग्नल रिसीव करके डिसाइड करते हैं दैट वी कंसिडर एज ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट ऑलवेज वी यूज टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें एल और सी पैरेलल में कनेक्टेड है विथ रेजिस्टेंस। This one and here is, so a capacitor C and R are in series, the value of R is 100 ohm, value of this R is 50 ohm, this C is let 100 microfarad। हमने मान लिया रेजिस्टेंस 100 ohm और 100 microfarad are in series and 50 ohm and 0.5 henry are in series, the omega here is say 500 radian per second, angular frequency of applied ac is 500 radian per second, this is henry, 0.5 henry, so you can write down xl omega 500 into 0.5 10 0 250 ohm, xc 1 upon omega c, c is 100
माइक्रो मीन्स 10 to the power 6, माइनस 6 नीचे होगा ऊपर, तो 1, 2, 3, 4 100/5 देख लीजिए आप। तो हमने सबसे पहले XL और XC इस सर्किट में फाइंड कर लिया बाय यूजिंग ओमेगा इक्वल्स टू 500, राइट। नाउ इफ वोल्टेज इज गिवन, सपोज 100 वोल्ट इज गिवन, व्हाट विल बी करंट इन दिस सर्किट, आई कैसे फाइंड करेंगे? तो ये 100 वोल्ट पैरेलल में इन दोनों के लिए सेम रहेगा, तो आप I1 और I2 सेपरेटली फाइंड करेंगे, राइट। तो I1 विल बी E/√R² + XC² आर स्क्वायर इज 100, XC इज 20, 5-1 tan inverse XC/ कितना हो गया जी, 0 0 2/10 1/5, जो आईटी में आएगा हमने उससे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी वाज 100, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान थी, हमने उसे चेंज कर लिया जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफर कर रही। I2 करंट इन दिस ब्रांच EMF 100/√R² 50² + XL, XL इज 250, दिस वन, एंड ∅2 tan inverse XL 250/R 50, दिस वन, राइट। सो इफ यू कंसिडर फेजर डायग्राम, E will be given by the same arrow. RC circuit, आपको इसको नहीं भूलना है, RC circuit में E left करता है, I lead करता है, तो RC circuit में I lead करता है, तो this is I1 at an angle ∅1 and this is I2 at an angle ∅2. ये आपको phasor diagram दिखा रहे, फाइव वन कितने है 10 inverse 1/5 और 5-2 कितने है 10 inverse 5। आई कैसे निकालना है, हमने आपको पहले बताया, आई निकालना है आपको वेक्टर से I1² I2² 2 I1 I2 cos ∅। फाइव कितना, 5-1 + 5-2। What will be 5-1 + 5-2? पहले हम उसे चेक कर लेते हैं, 10 inverse 1/5 + 10 inverse 5। 10 inverse 1/5 को आप cot inverse 5 भी लिख सकते हैं plus 10 inverse 5, cot inverse 5 plus 10 inverse 5 is 90 degree, तो 5-1 5-2 90 है भाई, बड़ा आसान हो गया। I1² + I2² will be the current in this circuit. I1 आपके पास है कितना, 100, 20 common, 5² 25 + 1 26, I2 आपके पास है 100, 50 common, 1² + 5² 26, तो दिस इज 5/√26 and this is 2/√26. 5/√26, so means 25/26. 2/√26 means 4/26. So it is 29/26 within a square root. तो इस तरह से आप इस सर्किट में नेट करंट I फाइंड कर सकते हैं, राइट।
I1 आपको मालूम हो गया, I2 आपको मालूम हो गया, मेन सर्किट की करंट आपको मालूम हो गई। सपोज इसके वोल्टेज हमें कोई पूछ लेता है, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस, तो आप इसके वोल्टेज के लिए E1 I1 into 100 लगा सकते हैं। इसके वोल्टेज अगर कोई पूछता है E2, तो आप I2 into 50 लगा सकते हैं। अगर हमें कोई इसकी वोल्टेज पूछता है तब भी आप I2 into XL लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी वोल्टेज के लिए I2 into XC लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन एनालाइज एसी सर्किट व्हेन L एंड C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने इस छोटे से लेक्चर में एसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीरीज में और पैरेलल में दोनों तरह से सीखा है, राइट। पावर के लिए स्पेशल फॉर्मूला वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस कॉस फाई के इक्वल है, जिसको अगर आप एनालाइज करोगे तो बड़ा सिंपल रिजल्ट मिलने वाला है। वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस कॉस फाई। एसी सर्किट में वी आर एम एस इज आई आर एम एस इंटू जेड, दिस आई आर एम एस कॉस फाइव इज आर बाई जेड, जेड जेड कैंसिल हो गए, तो इट इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो बड़े काम की चीज है, एसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता है, क्योंकि फाई 90 डिग्री होने से पावर डिसिपेशन इन कैपेसिटर, पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर जीरो ही रहता है। So net power dissipation is only across resistance and that is IRMS square into R, right? तो इस छोटे से लेक्चर में हमने एसी के सारे फॉर्मूले सीख लिए, हमने एसी सर्किट को सिंप्लीफाई करना सीखा, हमने सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की कंडीशंस के साथ उनका एनालिसिस भी इस छोटे से लेक्चर में सीख लिया, right? तो अगर आप नोटबुक साथ रख के इसे नोट करके सॉल्व करते हैं, देन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट, जिसमें फिर से एक छोटे से लेक्चर में बहुत ज्यादा कुछ हम लेकर आने वाले हैं, राइट। टिल दैट ऑल द बेस्ट।